हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकेत लिटोरिया और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट का, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप। प्रेसिपिटेशन क्या होता है और टाइप्स इसके क्या क्या हैं। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने प्रेसिपिटेशन को डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्लियर। तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने कैचमेंट लीकेज को लेके भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कैचमेंट लीकेज, कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो कुछ लोगों को कैचमेंट लीकेज समझ में नहीं आया है कि कैचमेंट लीकेज क्या कहलाता है, तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कैचमेंट लीकेज, क्लियर, कैचमेंट लीकेज अगर टोपोग्राफिक डिवाइड और ग्राउंड वाटर डिवाइड सेम वर्टिकल लाइन में अगर लाई करते हैं, देन कैचमेंट लीकेज डज नॉट अकर्स। अगर यह एक ही वर्टिकल लाइन में है तो कैचमेंट लीकेज अकर्स नहीं होगा। तो अब सबसे पहले टोपोग्राफिकल डिवाइड की मैं बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई अर्थ सरफेस है, उसका कोई आपके पास क्या है, लैंड है, क्लियर। जैसे ये टोटल आपके पास लैंड है, क्लियर, ये आपके पास क्या है, इस अर्थ सरफेस का पर्टिकुलर एक लैंड है और इसमें दो ओनर हैं, क्लियर। तो अब दो ओनर होंगे तो वो इस लैंड को क्या करेंगे, किसी एक लाइंस के थ्रू या किसी एक बाउंड्री के थ्रू क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो दो पार्टों में। तो अर्थ सरफेस पर जो आप एक बाउंड्री के थ्रू क्या करते हो, जब इस कैचमेंट, दो कैचमेंट को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, जनरली रिज लाइन, और इसको ही आप क्या बोलते हो, वाटरशेड। मतलब रिज लाइन के थ्रू आपने क्या कर दिया, दो कैचमेंट को डिवाइड कर दिया। तो टोपोग्राफिकल डिवाइड यही चीज है आपकी, जो इस कैचमेंट को आपका अर्थ सरफेस के ऊपर डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही ग्राउंड वाटर टेबल को भी कोई एक डिवाइड होगा, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे, जो दो कैचमेंट की नीचे वाटर टेबल को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो अब अगर यह एक लाइन में नहीं है, अब देखो डिवाइड है मतलब ये पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन वाटर को इधर से उधर पास नहीं होने देगा। और अगर यह डिवाइड, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ग्राउंड वाटर डिवाइड इस टोपोग्राफिक डिवाइड से सम डिस्टेंस पर क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, तो इतना जो एरिया है डेट इज कैसा हो जाएगा, परबियस हो जाएगा, पोरोसिटी यहां पे रहेगी, तो वाटर यहां से लीक करके क्या करेगा, इस वाले कैचमेंट का वाटर इस कैचमेंट में आना चालू कर देगा, क्लियर। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि टोपोग्राफिकल जो डिवाइड आपका होता है वह अगर सेम वर्टिकल लाइन में क्या कर रहा हो, सेम वर्टिकल लाइन में अगर दोनों लाई करते हैं, देन कैचमेंट लीकेज डज नॉट अकर्स, कैचमेंट लीकेज अकर्स नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन जो था हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि प्रेसिपिटेशन आपका क्या कहलाता है, डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, वाटर का वापस से रिटर्न बैक आना कहां पर, अर्थ सरफेस पर, वो आपका क्या कहलाता था, प्रेसिपिटेशन कहलाता था, क्लियर। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक नीड्स कि एक प्रेसिपिटेशन अगर होना है तो आपके लिए बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले वाटर वेपर्स, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कंडेंसेशन न्यूक्लाई, नेक्स्ट आपका क्या था, अनस्टेबल टेम्परेचर, क्लियर। एक ब्रीफ में हम समझते हैं कि यह कहलाता क्या है। तो अगर आपके आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल मतलब टेम्परेचर का राइज करना या टेम्परेचर का क्या होना, डिक्रीज होना। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वाटर आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होना चालू करेगा, एवेपोरेट होना चालू करेगा, मतलब लिक्विड स्टेट से क्या हो जाएगा आपका, वो वेपर या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह जो वेपर्स हैं वो क्या होंगे, सम लेवल पर लिफ्ट अप हो जाएंगे और वहां पर जो एयर होगी उसको क्या करना चालू करेंगे, सैचुरेट करना चालू करेंगे। अब एयर आपकी क्या होगी, सैचुरेट होगी, देन वो क्या होना चालू करेगी, कंडेंस होना चालू करेगी, कूल होगी, और कंडेंस होने के बाद वो क्या हो जाएगी आपकी, एक्यूमुलेट होगी, मतलब अपना खुद का साइज क्या करेगी, बढ़ाएगी एक दूसरे से मिलकर जो कंडेंस्ड वाटर है आपका, ठीक है। तो कंडेंस्ड वाटर जो अपना क्या करेगा, साइज को बढ़ाएगा एक्युमुलेट होके, तो खुद के वेट की वजह से वो क्या करेगा, फॉल करेगा, क्या करेगा, फॉल करेगा, जो एक कारण है
प्रेसिपिटेशन के लिए, क्लियर। तो प्रेसिपिटेशन के लिए आपको ये थ्री बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट है, वाटर वेपर, कंडेंसेशन, न्यूक्लाई एंड अनस्टेबल टेम्परेचर। तो इसके बेसिस पर हमने क्या देखा है कि आपकी जो एयर थी वो क्या हुई, लिफ्ट हुई। लिफ्ट हुई है किस वजह से, टेम्परेचर अनस्टेबल हो गया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ एयर और कूलिंग ऑफ एयर, मतलब आपकी जो एयर है वो लिफ्ट होना और ऊपर जाके क्या होना, कूल होना, उसके बेसिस पर प्रेसिपिटेशन आपका जो है उसको हमने क्या किया है, चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला बात करें तो डेट इज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, ये क्या कहलाता है आपका, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट कॉनवेक्टेड प्रेसिपिटेशन, सेकेंड टाइप आपका क्या है, कॉनवेक्टेड प्रेसिपिटेशन। थर्ड टाइप क्या है आपका, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और नेक्स्ट और लास्ट आपका है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो ड्यू टू लिफ्टिंग एंड कूलिंग ऑफ एयर हमने प्रेसिपिटेशन को चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, क्लियर। ये किसके बेसिस पर हमने बात की है, लिफ्टिंग एंड कूलिंग, क्लियर। आपका एयर का लिफ्ट होना और एयर का क्या होना, कूल होना, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पे हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन आपका क्या कहलाता है, क्लियर। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास, क्लियर। अब साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कैसे आया, जो आपका एयर मास है वो क्या कर रहा है, लिफ्ट हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। किसके डिफरेंस से, प्रेशर के डिफरेंस से, क्लियर। कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या, हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन, मतलब यहां पर जो आपकी एयर लिफ्ट होने वाली है वो हाई प्रेशर जोन से कहां जाएंगी, लो प्रेशर जोन की ओर जाएंगी, क्लियर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ आपकी एयर जाएंगी, देन लो प्रेशर जोन में वो क्या होना चालू करेंगी, लिफ्ट होना चालू करेंगी, क्या होना चालू करेंगी, लिफ्ट होना चालू करेंगी, और एक सम लेवल या हाइट पर पहुंचकर वहां पर एयर को क्या करना चालू करेंगी, सैचुरेट होना चालू करेगी, देन कंडेंस होंगी, और कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएंगी, वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में अर्थ सर्फेस पर वापस से क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। थोड़ा सा इसको फिगर के बेसिस पर समझते हैं। तो साइक्लोनिक मतलब इस टाइप का आपका साइक्लोनिक फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेशन होने वाला है, मतलब जो इस साइक्लोन का जो सेंट्रल पोर्शन आपका है, ये क्या है आपका सेंट्रल पोर्शन, क्या बोला मैंने, ये जो आपका साइक्लोन है इसका ये सेंट्रल पोर्शन है, तो ये सेंट्रल पोर्शन पर ये क्या होता है आपका, डेट इज लो प्रेशर, क्या होता है आपका यहां पर लो प्रेशर होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होने वाला है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होने वाला है, मतलब हायर टू लो। तो अब जो एयर लिफ्ट करेंगी हाई टू लो पे जाएंगी, तो ये जो सेंट्रल पोर्शन इसका है ये किसके जैसे बिहेव करने लग जाता है, चिमनी के जैसे बिहेव करना चालू कर देता है, मतलब इस सेंट्रल पोर्शन में एयर आपकी क्या होना चालू करेगी, लिफ्ट होना स्टार्ट करेगी, क्लियर। और आपका क्या हो जाएगा यहां पे, ऊपर जाके सम हाइट पर सैचुरेट हो जाएगी और कूल कंडेंस्ड होने के बाद क्या करेगी, प्रेसिपिटेशन कर देगी, क्लियर। तो अब यहां पे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है वो कितने फॉर्म्स में हो सकता है, कितने फॉर्म्स में साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो सबसे पहले साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कैन अकर्स इन फॉर्म, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला आपका यहां पे है ड्रिजल्स। ड्रिजल्स मतलब क्या होता है कि जो आपने देखा होगा हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश होती है, कौन सी बारिश होती है, बूंदाबांदी वाली बारिश होती है, उसको आप ड्रिजल्स बोलते हो। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में जो आपका क्या होगा, बारिश होगी, वो कैसी होगी, ड्रिजल्स होगी, बूंदाबांदी। नेक्स्ट इंटरमिटेंट रेन, आपका साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में और क्या हो सकता है, इंटरमिटेंट रेन, मतलब रुक रुक के बारिश होना, 15 मिनट बारिश हो गई, फिर 15 मिनट के लिए आपको ब्रेक मिला, देन 15 मिनट बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, डेट इज इंटरमिटेंट
और रेन। नेक्स्ट आपका साइक्लोनिक, साइक्लोनिक में प्रेसिपिटेशन में स्टडी रेन भी होती है। क्या होती है? स्टडी रेन। स्टडी रेन मतलब होता है लगातार कंटिन्यूअस आपकी बारिश होना विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज स्टडी रेन। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन हमने समझ लिया है कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो होता है किस वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। एयर लिफ्ट कहां से कहां करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की ओर वो लिफ्ट करने वाली है। नेक्स्ट हमने क्या समझा है यहां पे कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किन किन फॉर्म में अकर्स होगा, दैट इज ड्रिजल्स। नेक्स्ट हमने क्या समझा है, इंटरमिटेंट रेन और स्टडी रेन। इन तीन फॉर्म में आपका यहां पे क्या होने वाला है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होने वाला है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन की। क्लियर? तो कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन आपका जो होता है वो किस वजह से होता है, कॉज्ड ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर। क्लियर? ये मैंने लिख के रखा है यहां पे, कॉज्ड ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर। मतलब अपवर्ड मूवमेंट मतलब हवाओं का ऊपर जाना। अब हवाएं ऊपर जाएंगी कैसे, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन कॉज्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर डिफरेंस भी आप यहां पे बोल सकते हो। क्लियर? तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, दैट इज कॉज्ड बाई टेम्परेचर चेंज। अगर आपके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज आता है। क्लियर? टेम्परेचर का चेंज आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले समर सीजन की बात करें तो हवाएं कैसी होती हैं, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, हवाएं गर्म चलती हैं। क्लियर? अब आपको पता है टेम्परेचर में चेंज आएगा मतलब हवाएं कैसी हो जाएंगी, गर्म हवाएं। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं यहां पे हॉट एयर की। क्लियर? हवा कैसी है, गर्म है, और गर्म हवा जो होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के कंपेरिजन में कैसी होती है, लाइटर एन कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो यह लाइटर है इसलिए क्या होगी, बहुत जल्दी ही लिफ्ट अप होना चालू कर देगी। तो हॉट एयर लिफ्ट करेगी मतलब उसका क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होना चालू होगा। तो अपवर्ड मूवमेंट हुआ, एक पर्टिकुलर हाइट या लेवल पर पहुंचकर वो क्या होगी, सैचुरेट होना चालू होगी, कूल हो जाएगी, देन क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंडेंस जो न्यूक्लाई आपके हैं वो क्या करेंगे, अपने वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएंगे, अपना ओवन वेट बढ़ाएंगे और क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्लियर? तो कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन किस वजह से हुआ आपका, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर मतलब आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर में जो चेंज आया इस वजह से आपकी जो एयर है वो क्या होगी, हॉट एयर है, ज्यादा गर्म हवाएं हैं। क्लियर? और गर्म हवा क्या होती है, लाइटर होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर, तो वो क्या होगी, लिफ्ट अप होगी और वहां पे जाके सैचुरेट होगी, कूल होगी, कंडेंस होगी, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन आपका होता है वो किन किन फॉर्म्स में हो सकता है। तो कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन के लिए मैंने लिखा है, कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ शॉवर ऑफ हायर इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉवर मतलब क्या होता है, आपको ही पता है बौछार होती है, हम जनरली शॉवर जो लेते हैं दैट इज क्या होता है, बौछार। तो एक बारिश की तेज बौछार आपको देखने को मिलती है कम समय के लिए, हाई इंटेंसिटी की आपकी बारिश कम समय के लिए होती है, एक बौछार की टाइप में होती है, वो किस वजह से आती है आपकी, कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन की वजह से आती है। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्वेक्टेड प्रेसिपिटेशन भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप था वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का प्रेसिपिटेशन हम देखते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। क्लियर? तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या है कि जो आपकी मॉइस्ट एयर होती है वो किसी माउंटेनिंग एरियल से क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, और लिफ्ट अप हो जाती है। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, कोई माउंटेनिंग एरियल। क्लियर? अब आपका क्या होगा, जिस दिशा से हवाएं चल के आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपकी जो हवाएं हैं वो कहां से आ रही हैं, वो इधर से आ रही हैं। तो जहां से हवाएं आती हैं उसको आप क्या बोलते हो, विंडवर्ड साइड।
ये क्या है आपका विंडवर्ड साइड, और इसका जस्ट अपोजिट ये आपका क्या कहलाएगा लीवर्ड साइड। क्लियर, हवाएं जहां से आ रही है वो आपका क्या है विंडवर्ड साइड। तो अब देखना आप यहां पर कि ये आपकी जो मॉइस्ट एयर है, कौन सी एयर की बात कर रहा हूं मैं, मॉइस्ट एयर की बात कर रहा हूं, तो ये है मॉइस्ट एयर आई और आपका कहां पर टकरा रही है, इस माउंटेन पर टकरा रही है। जैसे ही टकराएगी यह एयर क्या करना चालू कर देंगी, यहां पर लिफ्टअप होना चालू हो जाएंगी। क्लियर, मतलब एयर आपकी क्या हो रही है यहां पे लिफ्ट करना चालू कर रही है। क्लियर, एक किसी सम हाइट पर ये क्या हो जाएंगी पहुंच जाएंगी। क्लियर, और हाइट पर पहुंचने के बाद सैचुरेट करेंगी एयर और कूल कंडेंस्ड होकर क्या करेंगी यहां पर आपका प्रेसिपिटेशन करा देंगी। क्लियर, तो यहां पे हमने क्या देखा है कि जो आपकी मॉइस्ट एयर है वो माउंटेन से टकरा रही है, देन लिफ्ट अप हो रही है। अब क्वेश्चन यहां पे ये हुआ कि लिफ्ट अप क्यों हुई है, तो यहां पर प्रेशर आपका क्या हो गया टकराने के बाद फॉल हो गया, टेम्परेचर आपका फॉल हो गया, इस वजह से वो क्या करना चालू कर दी है लिफ्ट अप होना चालू हो गई है, ऊपर जाके कूल हुई एंड कंडेंस्ड होकर बरस गई है। तो याद रखना कि जो विंडवर्ड साइड आपका होता है यहां पे क्या होता है आपका ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू लीवर्ड साइड। क्यों, क्योंकि यहां पे टकराई वही की यही क्या हो गई है ऊपर गई और कूल होके नीचे बरस गई है। मतलब यहां तो कोई कुछ हुआ ही नहीं, यहां तो एयर आपकी पास हो ही नहीं पाई है। तो जो हम बोलते हैं कि राजस्थान में आपकी बारिश कम होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि राजस्थान का जो बॉर्डर आपका वहां पे रहता है वहां पे क्या होता है आपका अरावली हिल्स। क्लियर, अरावली आपका क्या है पर्वत है, उससे आपकी हवाएं टकराती हैं और क्या करती हैं विंडवर्ड साइड वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो यहां पर भी आपका सॉवर रेनफॉल एंड स्टडी रेनफॉल होता है। सॉवर मतलब बारिश की बौछार। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि वो हाई इंटेंसिटी की हो, लो इंटेंसिटी भी हो सकता है और हाई इंटेंसिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टडी रेनफॉल की बात करें मतलब लगातार कंटिन्यूअस आपकी दो तीन दिन तक बारिश चल रही है। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। क्लियर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द हैवी रेन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बारिश कराएगा वो कौन सा कराएगा आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कराएगा। नेक्स्ट टाइप हमारा था फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन आपका क्या कहलाता है, जब हॉट एयर और कोल्ड एयर एक दूसरे से क्या होती हैं इंटरैक्ट होती हैं। क्लियर, तो वो क्या बनाती हैं एक इंटरफेस बनाती हैं। देखना यहां पर क्या बोला मैंने कि अगर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन से आपकी क्या आई हैं ये हॉट एयर आई हैं। क्लियर, और यहां से आपकी क्या आ रही हैं ये कोल्ड एयर ठंडी हवाएं। अब यह दोनों हवाएं आपस में क्या हो गई हैं टकरा गई हैं यहां पर, तो यहां पे इन्होंने क्या बनाया अपना एक इंटरफेस बनाया, और टकराने के बाद यह कोल्ड एयर हॉट एयर क्या होता है लाइट होती है, क्या होती है लाइटर होती है, और यह क्या करना चालू कर देंगे यहां पर ऊपर लिफ्ट अप होना चालू कर देंगे। क्लियर, यह ऊपर लिफ्ट अप होना चालू कर देंगी। कोल्ड एयर यहां पे क्या कर रही है इस हॉट एयर को सैचुरेट कर रही है और लिफ्ट अप कराने में हेल्प कर रही है। ऊपर जाके क्या करेंगी ये कूल होंगी, सैचुरेट होंगी, कंडेंस्ड होंगी और क्या करेंगी प्रेसिपिटेशन करा देंगी। क्लियर, तो जो फ्रंटल आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। जब ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में टकराएंगी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन वहां पर हो जाएगा। जनरली यह जो प्रेसिपिटेशन है इसमें भी आपका क्या होता है हैवी रेनफॉल होता है। उसका आपका जो एग्जांपल अगर हम यहां पर कंसीडर करें कि हैवी रेनफॉल कहां पर, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो हाईली आपका रेनफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है
फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये तो हमने प्रेसिपिटेशन का टाइप पढ़ा है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल के, रेनफॉल किन किन फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? तो आप हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जितनी भी वीडियो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट की आए आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप आई बटन पे क्लिक करके हमारे और भी सब्जेक्ट लाइक सॉम, आरसीसी एंड रीजनिंग वगैरह की क्लासेस भी वॉच कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू।